पाकिस्तान और दहशतगर्दों के पक्ष में खड़े चाइना को इस बार व्यापारियों ने होली के त्योहार पर चाइनीज रंगों और पिचकारियों का बहिष्कार कर चाइना को खूब करारा जवाब दिया है। इस बार होली के त्योहार पर चाइनीज सामान बाजार से बिल्कुल नदारद है, उसकी जगह भारत में बना होली की पिचकारियां और स्वदेशी रंग बेचे जा रहे हैं। रंगों के त्योहार को अलग ही अंदाज में मनाने की चाहत रखने वालों के लिए इस बार बाजार में काफी कुछ खास है। मार्केट में होली के लिए भारत में बने फ्रूट गुलाल, चॉकलेट फ्लेवर गुलाल, इको फ्रेंडली कलर सहित गुलाल फेंकने वाली पिचकारियों की धूम मची हुई है। इस बार इंडिया के होली सामग्री ने चाइना को जबरदस्त मात दी है। बाजार में कोई भी चाइना का सामान होली से संबंधित नहीं मिल रहा है, तो वहीं बोर्ड के एग्जाम की टेंशन से दूर होकर इस बार बच्चे जमकर होली मनाने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? गोविंद करके जी। गोविंद जी, ये ओल्ड फरीदाबाद की मेन बाजार है और यहाँ आपने दुकान लगाई हुई है होली से संबंधित सभी सामग्री की, तो इस बार क्या खास रहने वाला है होली में? इस बार होली पे ये है कि इस साल सबसे बड़ी जो अच्छी बात है वो ये है कि चाइना पिचकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है मार्केट से। इंडिया पिचकारी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनों में, जैसे मोटू पतलू बच्चों के लिए एंग्री बर्ड है, डोरीमोन है, छोटा भीम है, यहीं लड़कियों के लिए बारबी डॉल, फ्रोजन, हेलो किट्टी भी आई हुई है मार्केट में, जो इंडियन है, जिसकी लीकेज की वापसी भी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन पिचकारी ने अब चाइना को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम कहें तो ये बहुत अच्छी बात हुई है कि बच्चों के जो हर साल पेपरों का एग्जाम्स का जो चक्कर होता था, दिक्कत आती थी कि भाई होली पे एग्जाम्स आते थे तो बच्चे होली खेलने थोड़े डरते थे, तो इस बार एग्जाम से फ्री हो चुके बच्चे, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है जी होली पे। तो इस बार बच्चे बहुत अच्छी तरह होली खेल पाएंगे क्योंकि एग्जाम से फ्री हो चुके हैं। अगर नए सामान की बात करें तो नया क्या कुछ आया है? नए सामान की बात करें तो इस बार जैसे कि गुलालों में फ्रूट गुलाल आया है, फ्रूट गुलाल की बहुत डिमांड हो रही है, चॉकलेट फ्लेवर में भी गुलाल आया है, और एक बार इस बार ऑर्गेनिक गुलाल भी चल रहा है जो डिमांड में है, एक गुलाल वाली पिचकारी भी आई हुई है जिससे गुलाल निकलेगा, मतलब अब तक पानी निकलता था अब गुलाल भी निकलने लगेगा पिचकारी से। हमेशा होली पर डर रहता है कि केमिकल युक्त रंग होते हैं तो वो नुकसान करते हैं, क्या इस बार फ्री है केमिकल युक्त? केमिकल फ्री है, इस बार हर्बल का रंग भी आया है, जैसे हर्बल गुलाल मतलब आते थे, अब हर्बल रंग भी आने लग गया है जी, तो इस बार हर्बल रंग देखने को मिला है जो किसी स्किन को नुकसान नहीं करेगा और बहुत अच्छा रहेगा अपनी स्किन के लिए। तो होली के पर्व को लेकर लोगों का रुझान अब तक का कैसा रहा है? रुझान इस बार वही सबसे बड़ी अच्छी यही बात है कि इस बार बच्चों के एग्जाम्स बहुत जल्दी हो चुके हैं, होली थोड़ी लेट है, तो बच्चे अब हंसी खुशी अपने होली को मनाएंगे और बहुत इंजॉयमेंट लेंगे। थैंक यू। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कर्ज माफी का लाभ न मिलने के कारण आत्महत्या करने वाले किसान के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ता आ गए हैं। प्रदेश सरकार पर किसानों से छलावे का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ता टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से जानकारी मिली कि एक किसान ने आज आत्महत्या करने का प्रयास किया है। उस किसान के पास हम लोग वहाँ पहुँचे, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि जो है हमारा कर्जा माफ़ नहीं हो पाया इसलिए हमने आत्महत्या कर ली, हमारी फसल असल जो है पूरी ख़राब हो गई, कमलनाथ जी ने वादा किया था और वो वादा पूरा नहीं किया, इसलिए हम जो है आज आत्महत्या करने का प्रयास किया और नेशनल हॉस्पिटल एडमिट है। मेरा कमलनाथ जी से कहना यह है कि 60 साल कांग्रेस ने जो है इसी झूठ के आधार पर राजनीति की और जनता को गुमराह करती रही, आज भी ये स्थिति है कि आपने वादा किया था कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा, राहुल गांधी जी ने कहा, कमलनाथ जी ने मंचों से कहा और इनके जो है घोषणा पत्र में भी था, आज उनकी सरकार बने हुए कितना समय ये आपको मालूम है, उसके बाद आज पहली किस्त किसान ने आत्महत्या करने का प्रयास किया उसके माध्यम से आज प्राप्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात की चेतावनी देना चाहता कमलनाथ जी को कि किसान की वजह से ही वो अन्नदाता है, इसकी वजह से ही लोग जीवन यापन कर पाते हैं, उसकी साथ अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज नेशनल हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सीधे हम यहाँ टाउन हॉल धरने में बैठे हैं, हम आज चेतावनी देना चाहते हैं कमलनाथ जी को कि बिल्कुल आप अपने किए हुए वादे को सुधारिए और जो आपने वादा किया उसको पूरा करें, और ये सब बातें नहीं चलेंगी कि जो आपने जो है वोट की लालसा के लिए जो है आपने घोषणा कर दी और घोषणा करने के बाद हासिला शून्य, उसको लेके आज हम लोग यहाँ पे अखिलेश तिवारी जी, सुरेश पांडे जी, जमा खान जी सभी हम लोग आज धरना पे बैठे हैं।
जबलपुर संभाग के सबसे बड़ी रानी दुर्गावती अस्पताल से चोरी हुए बच्चे को पुलिस ने कुछ ही घंटों में बरामद कर लिया है। बच्चा चुराने के आरोप में सिविल लाइन पुलिस ने एक दंपत्ति को भी गिरफ्तार किया है जो मदर टेरेसा नागर के रहने वाले हैं और संतान न होने के चलते बच्चा चुराने की बात उनके द्वारा कबूली गई है। अस्पताल में जिस तरह से एक नवजात शिशु चोरी हुआ था, इस मामले को किस तरह से ट्रेस कर पाए और क्या खुलासा हुआ इसमें? कल दोपहर के समय लगभग 1 बजे के आसपास हरिगन अस्पताल से एक नवजात शिशु को उसकी पहली डिलीवरी हुई थी, उसकी चोरी होने की सूचना आई थी। इस पर हमारे CSP और उनकी टीम ने जो है काफ़ी अच्छे प्रयास किए और इसमें जो बच्चा नवजात शिशु है उसको बरामद कर लिया गया है। इसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं, एक महिला है सीता यादव और उसका पति है छोटे लाल यादव। इन दोनों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और मुख्य रूप से जो घटना की वजह निकल के आई है वो ये है कि ये महिला निसंतान थी और इसीलिए जो है हरिगन अस्पताल में जाके उसने ये घटना कारित करी, जिसमें उसके इस घटना में उसके पति ने उसका पूर्ण रूप से साथ दिया। कैसे ट्रैक कर पाए सर? इसमें जो है हमारे जो आसूचना तंत्र है उसने काफ़ी अच्छा इसमें काम किया और जो महिला का जो हुलिया आया था, जो पीड़िता ने हुलिया बताया था, जब हमने अपने जो CCTV सिस्टम है हमारा पूरा शहर में जो चप्पे चप्पे पे जो फैला हुआ है उसके माध्यम से भी हमने जो है उस महिला को ट्रेस किया। अस्पताल के CCTV कैमरे बंद थे पूरी तरह से? अस्पताल के CCTV कैमरे दुर्भाग्यवश जो है कल बंद पाए गए। हमने उनको सख्त हिदायत दी है कि जो है इस तरह की लापरवाही और किस तरह आम लोगों के आने जाने का जो है एक संस्थान है और वहाँ पर घटना होने की हमेशा आशंका रहती है, हमने सख्त हिदायत दी है। उम्मीद है कि वो भविष्य में ऐसा नहीं। सर, अस्पताल में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी हैं तो क्या उनकी चेकिंग वगैरह का कुछ घटना के बाद क्या पुलिस कुछ कर रही है? उनको भी जो है मुस्तैदी से अपना कार्य करने की हमने उनको बोला है क्योंकि अस्पताल से चोरियां भी होती रहती हैं और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम है उनको रोकना, तो उनको भी हमने बोला है कि अपना मुस्तैदी से काम करें, तब जो है वो भी फिर इसमें जो है भागीदार बनेंगे। अच्छा, परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया? अच्छा, को सुपुर्द कर दिया गया, अच्छा स्वस्थ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए CNN News पर। तब तक के लिए नमस्कार।